आज हम लोग कुछ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के बारे में बात करने वाले हैं। इसका नाम, सिंबल, उसका यूनिट, उसका एप्लीकेशन और किस तरह से काम करता है उसके बारे में जानने वाले हैं। आज की डेट में आप लोग को एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर एक इक्विपमेंट में जो हम लोग के घरों में यूज़ होता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट लगा रहता है। सो है गाइस, मैं आपको दोस्त बाबिन, बाबिन इलेक्ट्रिकल में आपका सबका स्वागत है। सबसे पहले जो कंपोनेंट के बारे में बात करने वाला हूँ वो है रजिस्टर। रजिस्टर दिखने में इस तरह का होता है, इसमें आप कुछ बैंड देख पाएंगे, ये इसका कलर कोड है। अगर मैं आपको इसका सिंबल ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये नॉर्मली हम लोग इसका दो लीड होता है, जिगजैग पैटर्न में शो करते हैं, इसे हम लोग नॉर्मली आर से डिनोट करते हैं। इसका जो यूनिट होता है वो होता है ओम से हम लोग डिनोट करते हैं इसका यूनिट। देखिए ये रजिस्टर था, इसमें कुछ बैंड दिख पाएंगे, इसका कलर कोड है, इससे हम लोग रजिस्टर का वैल्यू निकल पाएंगे। और एक सिंबल आज के डेट में यूज होता है, नया सिंबल, वो आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सिंपल दो लीड रहेगा, इसके आगे एक बॉक्स रहेगा। ये आजकल के डेट में इस तरह से सिंबल यूज होता है, यहाँ पर आर लिखा जाता है, इसका कुछ वैल्यू होता है। ये है फिक्स्ड रजिस्टर, और एक तरह का रजिस्टर है ये वेरिएबल रजिस्टर। यहाँ पर B10 के यानी कि 3 किलो ओम का रजिस्टर है। इसमें फर्क इतना है कि देखिए यहाँ पर 3 टर्मिनल देखने को मिलेगा, 2 फिक्स्ड टर्मिनल है, बीच में जो टर्मिनल होता है ये है आपका वेरिएबल टर्मिनल। इसको हम लोग अगर डिनोट करेंगे इस तरह से डिनोट किया जाता है, या तो बॉक्स में अगर सेम में करेंगे तो यहाँ पर एक एरो सिंबल नीचे से दिखाएंगे। ये हम लोग का हो गया पोटेंशियोमीटर या POT, इसे हम लोग पोटेंशियोमीटर या POT कहते हैं। ये वेरिएबल रजिस्टर, जिस सर्किट में हम लोग को वेरिएबल रजिस्टर का वैल्यू चाहिए वहाँ पर हम लोग इस तरह का पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं। इसका एप्लीकेशन नॉर्मली हम लोग म्यूजिक सिस्टम कंट्रोल के लिए, वॉल्यूम कंट्रोल के लिए, या लाइट का ल्यूमिनसिटी कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या छोटा मोटा मोटर चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बट अगर आप हेवी मोटर इससे चलाएंगे तो बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। इसका अंदर नॉर्मली कार्बन का रजिस्टर होता है, कार्बन एलिमेंट यूज होता है रजिस्टर एलिमेंट के हिसाब से, कुछ कुछ में नाइक्रोम वायर यूज होता है। ये जो है एक कार्बन रजिस्टर इसमें इस्तेमाल हुआ है, ये भी कार्बन रजिस्टर्ड है, ये जो देख रहे हैं। ये भी हम लोग उसी सर्किट में यूज करेंगे जहां पर हम लोग का सर्किट में जो करंट का वैल्यू है वो घटाने के लिए जरूरी होता है, क्योंकि रजिस्टर का काम होता है आपका जो करंट फ्लो होता है उसको कंट्रोल करना, वो है डायोड। ये होता है डायोड, अगर इसका नंबर आप देख पाएंगे तो यह जनरल डायोड है IN4007। इसमें आपका एक सिल्वर कलर का पट्टी दिखेगा, ये होता है इसका माइनस, और जो ब्लैक कलर का पट्टी है ये होता है पॉजिटिव। इसका काम होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, यानी कि इसका जो सिंबल होता है इस तरह से एक नॉट बनाएंगे, ये होता है आपका डायोड का सिंबल। ये है आपका पॉजिटिव दिक, ये है इसका नेगेटिव टर्मिनल। डायोड को हम लोग इस तरह से रखेंगे, देखिए ये है इसका पॉजिटिव साइड, ये है इसका नेगेटिव साइड। सिल्वर हिस्सा हमेशा नेगेटिव होता है और जो ब्लैक हिस्सा है तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, इतना ध्यान रखिए। इसका जो इस्तेमाल होता है हम लोग नेचुरली रेक्टिफायर सर्किट, जहाँ पर हम लोग AC को DC में कन्वर्ट करना जरूरी है, या प्रोटेक्शन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं मोटर में, जहाँ पर बैक EMF प्रोड्यूस होने का चांसेस रहता है, ताकि वो आगे आके करंट आपका सर्किट को डैमेज ना करे, वहाँ पर भी हम लोग नेचुरली डायोड का इस्तेमाल करते हैं, या सोलर पैनल में भी हम लोग डायोड इस्तेमाल करते हैं, ताकि बैक के थ्रू अगर करंट वहां पर चल जाए तो पैनल को खराब कर सकते हैं, वहां पर भी हम लोग पोटेंशियल की तरह भी इसको इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मल ये सबसे ज्यादा रेक्टिफायर सर्किट में इस्तेमाल होता है, जो AC को DC में कन्वर्ट करता है। आगे बात करते तो यह है कैपेसिटर, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है। यहाँ पर आपको एक नेगेटिव साइड दिख रहा है, ये जो है पॉजिटिव साइड भी, यहाँ इसमें आपको दो टर्मिनल दिखेगा, जहाँ पर नेगेटिव साइड नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है ये साइड। इसका काम होता है ये इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करता है कुछ टाइम के लिए,
ये एक तरह का बैटरी आप लोग मान सकते हैं, बट बैटरी और कैपेसिटर में डिफरेंस इतना होता है कि बैटरी का आपका जो बैटरी होता है, बैटरी में आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्ज होने में टाइम लगता है और वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है, बट कैपेसिटर का काम होता है तुरंत चार्ज हो जाता है, तुरंत डिस्चार्ज होता है। इसका वैल्यू भी कम होता है एज कम्पेयर टू बैटरी। इसका अगर सिंबल के बात करूं तो इस तरह से होता है, या तो इस तरह से हम लोग सिंबल यूज कर सकते हैं। अगर इसका और एक हिस्सा दिखाऊं, ये जो देख रहे हैं सेरेमिक कैपेसिटर, इसका भी दो टर्मिनल होता है। इसे भी हम लोग जहाँ पर बहुत लो वैल्यू का कैपेसिटर का जरूरत होता है वहां पर इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली हम लोग कैपेसिटर के इस्तेमाल उस जगह पर करते हैं जहाँ पर हम लोग को फिल्टर सर्किट की तरह डायरेक्ट डीसी प्योर डीसी वेव चाहिए, क्योंकि इसका काम होता है आपका जो भी रिपल फैक्टर मौजूद होता है इलेक्ट्रिसिटी में उसको कंट्रोल करके उसको स्मूथ करता है, ये काम इसका होता है। इसलिए हम लोग नॉर्मली फिल्टर सर्किट में इसको इस्तेमाल करते। ट्रांजिस्टर आप लोग देख सकते हैं BC547 है, ये देखिए 547 आपको दिख रहा होगा, 547B है, BC547B आपको दिख रहा है। इसका तीन टर्मिनल होता है। इसका काम होता है यहाँ पर अगर बेस में आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो ये आपका इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करके देगा। ये है बेस, ये इसका एमिटर, ये इसका कलेक्टर होता है। नॉर्मली इसका अगर सिंबल का बात करूं तो इस तरह का इसका सिंबल होता है आपका ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का काम होता है, ट्रांजिस्टर का हम लोग नॉर्मली स्विच सर्किट की तरह इस्तेमाल करते हैं, जहां पर बहुत जल्दी जल्दी स्विचिंग करना पड़ता है वहां पर हम लोग ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करते हैं, या तो इसको थ्रू आप एम्पलीफिकेशन भी कर सकते हैं। और एक एक्टिव डिवाइस, इसको पावर अप करने की जरूरत है, यानी कि इसको अगर आप पावर अप नहीं करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, यानी कि गेन जहां पर हम लोग को जरूरत होता है वहां पर भी हम लोग ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। ये है आपका एक इंडक्टर, यानी कि इंडक्टर कॉयल है, ये यार इंडक्टर नहीं है, एक नॉर्मल इंडक्टर है जिसके अंदर कोर मौजूद है। इसका काम होता है थोड़ी देर के लिए ये भी इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करता है और छोड़ देता है बाद में। ये नॉर्मल हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को कहीं पर अगर बहुत जल्दी जल्दी इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग को बढ़ाना है कुछ टाइम के लिए तो हम लोग यहाँ पर इंडक्टर कॉइल को इस्तेमाल करते हैं। इसका सिंबल का अगर बात करूं तो एक कोर है, इसलिए यहाँ पर एक ये होगा। अगर यहाँ पर कोर नहीं मौजूद होता तो ऐसा इस ये है एयर एयर इंडक्टर, और ये है यहाँ पर कोर इंडक्टर। ये देखिए ये मॉस्फेट है। मॉस्फेट का काम इतना होता है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी का एम्पलीफिकेशन करता है, ये तरह तरह का बहुत सारा काम करता है मॉस्फेट का। अगर मैं सिंबल का बात करूं, ये इसका गेट होगा, इस तरह का मॉस्फेट होता है। इसमें दो तरह का मॉस्फेट आता है, एक पी चैनल एक एन चैनल है। इस तरह से सिंबल हम लोग मॉस्फेट के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक आईसी है, इसका कोई सिंबल नहीं होता। आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका अंदर बहुत सारा सर्किट छोटा छोटा सर्किट जो है इसको इंटीग्रेट करके एक फॉर्म में बनाया गया है ताकि हम लोग इजीली इसके इस्तेमाल कर सके और कम ज्यादा कॉम्प्लिसिटी ना हो सर्किट में। आईसी का हर एक जगह पर आईसी का इस्तेमाल है। आप हर एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट अगर खोलेंगे उसका अंदर आपको आईसी जरूर मिलेगा। आईसी बहुत चीप में आता है और आईसी में कॉम्प्लिसिटी बहुत ज्यादा कम होने के कारण और बहुत छोटा स्पेस लेने के कारण इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा छोटा होता है। देखिए ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले, नॉर्मली हम लोग डिस्प्ले उनकी तरह इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर अगर मैं पीछे दिखाऊँ तो आपको यहाँ पर टोटल 10 टर्मिनल दिखेगा। यहाँ पर जो मिडिल वाला दो टर्मिनल है एक कॉमन है, नॉर्मली कॉमन एनोड कॉमन कैथोड वाला डिस्प्ले आता है। यहाँ पर आपको हर एक जो भी लाइट है इसको हम लोग इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकते हैं। इससे हम लोग कोई भी फिगर आउट 0 से लेके 9 तक नंबर आउट कर सकते हैं। ये डिस्प्ले की तरह इस्तेमाल होता है, इसका कोई सिंबल नॉर्मली नहीं होता। एक तरह का जेनर डायोड होता है, ग्लास में दिखेगा आपको। इसका काम होता है वोल्टेज रेगुलेटर, यानी कि ये आपको फिक्स्ड वोल्टेज रेगुलेटर प्रोवाइड करेगा।
इसका अगर मैं सिंबल का बात करूं, नॉर्मल डायोड की तरह ही होता है, सिर्फ फर्क इतना यहाँ पर आपको जेड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ये हो गया आपका जेनर डायोड, एक मॉड्यूल है। यहाँ पर आप बहुत सारा सर्किट एक साथ देख सकते हैं। ये है आपका प्रीसेट, इससे हम लोग, ये भी एक तरह का रजिस्टर है, एक वेरिएबल रजिस्टर, इसकी इससे हम लोग स्क्रू ड्राइवर के थ्रू इसका वैल्यू सेट कर सकते इजीली। यहाँ पर दो प्रीसेट लगा हुआ है। यहाँ पर जो एलईडी आपको दिख रहा है, ये आईआर एलईडी है। इसका काम होता है आईआर यानी कि इंफ्रारेड लाइट एमिट करना। इस ये नॉर्मली हम लोग रिमोट में इस्तेमाल करते हैं, इससे कोई भी सिग्नल हम लोग वायरलेसली ट्रांसमिट कर सकता है, वो भी इनविजिबल। इसमें जैसे जो लाइट निकलता है वो इनविजिबल रहता है। और इसका ऊपर एक सेंसर लगा हुआ है, एक डिटेक्टर है। रिमोट का जो भी ट्रांसमिट होगा ये इसके थ्रू रिसीव होगा, ये काम ये करता है। यानी कि ये आईआर एलईडी, ये टोटल आपको एक मॉड्यूल दिखा दिया हूँ। आज के लिए वीडियो इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इसका दूसरा पार्ट जरूर लाऊंगा, सो इसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के बारे में जानना आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।